हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है मेरे चैनल फ्लोरेंस फोना में। मैं हूं सनत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज्यादा सबसे ज्यादा जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं बेबी डॉल से लेकर आया हूं जो 2 इंच 3 इंच के करीब है और मुझे अब ये बताइए कि उनका जेंडर क्या है, तो आज मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिससे आप खुद जज कर पाएंगे कि आपका टर्टल मेल है या फीमेल है। हम इस वीडियो को आप एंट्री देखिएगा तो आप कंफर्म नहीं बता पाएंगे कि आपका बेबी टर्टल, चाहे वो 2 इंच का हो, चाहे वो 3 इंच का हो, चाहे वो कितने भी बड़ा हो, वो मेल है या फीमेल है। तो मेरी वीडियो को एंटर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मेरे रेडियो स्लाइडर टेरापिन्स। तो आप, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेरा मेल टर्टल और ये है मेरी फीमेल टर्टल। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी शेप की और शेल की शेप की। तो आप देख सकते हैं कि जो मेल का शेल है वो ऐसे जा रहा है, एकदम यहाँ से आते हुए फ्लैट हो रहा है। ये आप शेप देखिए इसकी, ये देखिए। और जो फीमेल है, फीमेल का शेल ऊपर से फ्लैट नहीं है, इसका शेल ऊपर से ओवल है। ये देखिए, ये ऊपर से ओवल है इस तरह का, और मेल का थोड़ा सा फ्लैट है। ये देखिए, ये डिफरेंस। अब हम देखेंगे टेल से डिफरेंस। तो आप मेल की टेल अगर देखेंगे तो ये देखिए, मेल की टर्टल की टेल जो है वो काफ़ी लंबी है। ये देखिए, काफ़ी लंबी है। और फीमेल टर्टल की टेल जो है वो इससे कंपैरेटिवली छोटी है। ये देखिए आप, ये मेल से कंपैरेटिवली छोटी टेल है। तो ये आपको हर टर्टल में डिफरेंस पता लग जाएगा। और दूसरी बात, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेल के शेल के नीचे का जो ये हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये ज़्यादा ट्रायंगुलर है। ये देखिए आप, ये ज़्यादा बेंट हुआ है, ज़्यादा ट्रायंगुलर है। और जो इसका ये वाला हिस्सा है, जो फीमेल का नीचे का ये हिस्सा है, ये राउंड है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 3 डिफरेंस बताए हैं। सबसे पहले शेल की शेप, उसके बाद टेल, और उसके बाद जो ये वाला पार्ट होता है इनका, ये वाला जो प्लास्टरॉन के नीचे का पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा नीचे का पार्ट। सो यही था तरीका जानने का कि आपका टर्टल मेल है या फीमेल है। आप अपने दोनों टर्टल्स को ध्यान से देखिए, उन्हें कंपेयर करिए। अगर तो आपको पता लग जाएगा कि आपका टर्टल मेल है या फीमेल है, आप ये सारे साइंस एक जगह नोट कर लीजिए और इनको बिल्कुल अपने टर्टल्स पे देखिए। तो ये जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में साइंस बताए हैं, ये हर टर्टल के लिए सेम होंगे, चाहे आपके पास पेंटेड टर्टल हो, रीव्स हो, रेडियो स्लाइड हो, या कोई भी स्पीशीज़ हो, उस हर टर्टल के लिए सेम है। टॉर्टोइस के लिए ये अलग होंगे, लेकिन टर्टल्स के लिए ये चीज़ सेम है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए।